हेलो डिफेंस लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाले एयरबस के C295 एयरक्राफ्ट को लेकर, जहां रिपोर्ट ये है कि इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड मिलकर 15 C295 मल्टीमिशन पेट्रोल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देने वाली है। लेकिन अगर आपको याद हो तो ठीक एक साल पहले ही एयरफोर्स ने भी 56 C295 का ऑर्डर दिया था, जिसकी डिलीवरी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होकर 2031 में कंप्लीट की जाएगी, जहां पर एयरफोर्स इस C295 एयरक्राफ्ट को अपने पुराने हो चुके एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए ले रही है। वहीं पर अगर आप नेवी और कोस्ट गार्ड के द्वारा दिए जाने वाले ऑर्डर पर ध्यान देंगे तो वो एक मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, यानी कि एयरफोर्स और नेवी दो अलग अलग तरीके से C295 का इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर C295 एयरक्राफ्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, और इसका रीजन है C295 एयरक्राफ्ट का मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट होना। C295 एयरक्राफ्ट को कुछ मॉडिफिकेशन के साथ बहुत सारे तरीकों से यूज किया जा सकता है, जैसे कि इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, क्लोज गन सपोर्ट रोल, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और अवॉक्स जैसे रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग टाटा द्वारा इंडिया में ही की जानी है तो इससे इसके कॉस्ट पे भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर नेवी और कोस्ट गार्ड C295 को ही क्यों एक्वायर करना चाह रही है। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि इंडियन ओशन रीजन में हमारा एक चिंदी पड़ोसी है, जिसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आए दिन उसके शिप और सबमरीन्स की प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में काफी इंक्रीज हो गई है। और भारत के 7500 किलोमीटर के कोस्टल लाइन को डिफेंड करने के लिए हमारे पास एक अच्छे खासे नंबर में सर्विलेंस एयरक्राफ्ट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि भारत 12 PHI को इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन हर छोटे और मीडियम रेंज के लिए हम PHI का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं अगर हम अपने कोस्टल लाइन को देखें तो ये एक बहुत ही ज्यादा वास्ट रीजन है और इसीलिए इसे तीन कैटेगरी के अंदर रखा गया है, जहां शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंजेस के लिए अलग अलग सर्विलांस एयरक्राफ्ट की जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो अगर हम लॉन्ग रेंज की बात करें तो भारत 12 के नंबर में P8I को ऑपरेट करती है, जहां 8 PHI को INS रजाली, जो कि ईस्टर्न सीबोर्ड पे मौजूद है, वहां से ऑपरेट किया जाता है। वहीं 4 PHI को INS हंसा, जो कि वेस्टर्न सीबोर्ड पे मौजूद है, वहां से ऑपरेट किया जाता है। वहीं इसके अलावा 6 के नंबर में एडिशनल P8I के प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस भी जारी है, जिसे नेवी चाहती है कि ये डील कॉमकासा प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट के साथ किया जाए। वहीं इस डील के साथ उन्हें एक प्राइस ऑफर भी दिया जाए, क्योंकि पहले के 8 PHI की लागत $2.2 बिलियन थी और फिर उसके नेक्स्ट 4 PHI की लागत $1.1 बिलियन थी, और नेवी इसी पर एक प्राइस ऑफर चाहती है, जिससे कि एडिशनल P8I एक तो थोड़ा सा कम प्राइस पर मिले, वहीं कॉमकासा प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट की वजह से न्यू P8I पिछले 12 PHI से ज्यादा एडवांस हो। वहीं अगर हम शॉर्ट रेंजेस की बात करें तो क्योंकि शॉर्ट रेंजेस पर कोस्ट गार्ड ऑपरेट करती है, तो कोस्ट गार्ड शॉर्ट रेंजेस के लिए डॉर्नियर विमान का इस्तेमाल करती है। इसकी एक घटना अभी कुछ मंथ पहले ही हुई थी, जहां एक पाकिस्तान की कॉर्बेट सिप इंडियन मेरीटाइम बॉर्डर की तरफ अप्रोच कर रही थी, जिसे डॉर्नियर ने रोक दिया था और उस सिप के ऊपर तब तक चक्कर काटता रहा जब तक कि वो सिप वापस नहीं चला गया। वहीं हमारे पास जो कमी है वो मीडियम रेंजेस को लेकर है, जहां नेवी और कोस्ट गार्ड दोनों ही ऑपरेट करते हैं, और इसी गैप को फिल करने के लिए C295 को एक्वायर किया जा रहा है, जहां P8I एक लॉन्ग रेंज पर यूज किया जाएगा। वहीं P8I इतने ही सेंसर और P8I से थोड़े कम, यानी कि 6 हार्ड पॉइंट के साथ C295 एयरक्राफ्ट नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए मीडियम रेंजेस पर इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन यहां भी एक सवाल है कि C295, जिसे एयरबस ने बनाया है और इंडिया में इसे टाटा मैन्युफैक्चर करने वाली है, ये तो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट है, वहीं इस पर जाने वाले सेंसर्स ना तो एयरबस प्रोवाइड करवाएगी ना ही टाटा, तो फिर इसे कौन करवाएगा? और जवाब है DRDO। C295 एयरक्राफ्ट के मॉडिफिकेशन के बाद इसमें मेरीटाइम सर्विलांस के लिए जाने वाले सभी सेंसर्स, जिसमें EOIR सेंसर, MPR रेडोम, सैटकॉम रेडोम, SLAR यानी कि साइड लुकिंग एयरबॉर्न रडार और MAWS मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम शामिल है, इसे DRDO प्रोवाइड करवाएगी। तो हो सकता है कि पहले के 2 या 3 एयरक्राफ्ट को स्पेन में ही मॉडिफाई किया जाए और उसके बाद सभी एयरक्राफ्ट को इंडिया में DRDO मॉडिफाई करे। 15 C295 एयरक्राफ्ट में से 9 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए होने वाले हैं, वहीं 6 इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। C295 एयरक्राफ्ट की कुछ और भी खासियतें हैं, जैसे कि ये 9 टन तक के पेलोड को कैरी करते हुए शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। वहीं टर्बोप्रॉप इंजन होने की वजह से इसकी फ्यूल कंजम्पशन कैपेसिटी भी काफी कम है और इससे ऑपरेशनल कॉस्ट पे काफी इफेक्ट आएगा। अब अगर हम नेवी के सर्विलांस एसेट्स को देखें तो 24 MS-60R रोमियो, 12 P8I डॉर्नियर, 2 सी गार्जियन ड्रोन के अलावा 30 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की डील, 15 C295 एयरक्राफ्ट की डील के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मिडजेट सबमरीन, पेट्रोल वेसल और डॉर्नियर जैसा विमान इंडियन कोस्टल लाइन को डिफेंड करते हुए एक ऑफेंसिव और एग्रेसिव अप्रोच है, और ये अप्रोच चाइना जैसे चिंदी पड़ोसी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव या सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे डिफेंस से रिलेटेड हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे। टिल देन, जय हिंद।